अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिट हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल की रेसिपी लेके आई हूँ और कुछ चॉपिंग लेके आई हूँ। चलें दाल बनाते हैं। तो दाल की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हल्दी है जो कि 1 चम्मच है, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच है, कुटी हुई मिर्चें 1.5 चम्मच के करीब है, आप 2 भी ले सकते हैं, और दाल आधा पाव है, और जो है लहसुन अदरक जो है वो मैंने 2 चम्मच ले लिए थे। लहसुन अदरक दाल की बादी को मारते हैं, तो आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि इसमें चने की दाल होती है मिक्स दाल में, तो वो बादी को जो है मार देता है लहसुन अदरक। बघार का सामान भी आपने देख लिया, लहसुन और कुछ चिलीज़, और ये जो चिली है ये दाल में भी जाएगी जब हम दाल स्टार्ट करेंगे। तो चले अब हम दाल स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पानी जो है बॉईल पे रख दिया है। जब पानी बॉईल होगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर दाल ऐड करूँगी, ताकि दाल कड़क नहीं हो, बिल्कुल नरम हो जाए। अगर आप बॉईल पानी में डालेंगे तो दाल कभी भी कड़क नहीं होगी आपकी। तो जी ये पानी में बॉईल आ चुका है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे दाल जो कि आधा पाव है। ये दाल हमने डाल दी है, इसमें मिक्स दाल है, इसके अंदर 3 दालें मिक्स होती हैं, तो इसके अंदर चने की दाल भी मिक्स होती है, तो इस वजह से हम जो है लहसुन अदरक ज़्यादा रखते हैं, चने की दाल बादी करती है। ये हमने इसके अंदर डाल दी है हल्दी, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक, कुटी हुई मिर्चें भी अभी चली जाएंगी, और धनिया भी अभी चला जाएगा, और 2 जो है हरी मिर्चें वो भी अभी चली जाएंगी। काफ़ी दिन से इतनी स्पाइसेस खाने खाने में आ रहे थे, इस वजह से आज सोचा चले दाल बना ली जाए, क्यों ना दाल बना ली जाए, ताकि जो है थोड़ा सा मैदे को भी आराम मिले। ये जो है तो हमने इसके अंदर चिलीज़ डाल दी, और ये देखिए दाल हमारी बॉइलिंग पॉइंट पर है, अच्छी तरह पक रही है। नमक भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐड किया था, जो मैं इसमें आपको दिखाना भूल गई हूँ। जी ये दाल देखिए हमारी गाढ़ी हो चुकी है, अच्छी तरह पक चुकी है, बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया है इसका, और जो है वो घुट भी गई है, बिल्कुल खड़ी खड़ी नहीं है दाल, जो है थोड़ी सी घुटी हुई अच्छी लगती है। ये देखिए आप दाल को, इसका कलर भी बहुत जो है प्यारा सा आ गया है और अच्छी लग रही है। अब इसमें हम जो है रोस्टेड धनिया और ज़ीरा डालेंगे, जो कि मैंने रोस्ट कर लिया था। लहसुन के जवे मैंने काट के रख लिए बघार के लिए, और चिलीज़ भी काट के रख लिए बघार के लिए। धनिया जो है वो गार्निशिंग में जाएगा। तो जो है अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का काम। ये हमने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ रोस्टेड और पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा, जो कि मैंने तवे पर रोस्ट किया था। आप चाहें तो ये रोस्ट करके भी रख सकते हैं, अक्सर खानों में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तो तकरीबन ही खानों में डालती हूँ इसको रोस्ट करके तवे पर, और रख लेती हूँ। ज़ीरा भी ले लेती हूँ, बराबर बराबर दोनों चीज़ें ले लेती हूँ और इनको रोस्ट करके रख लेती हूँ। इससे खाने का ज़ायका बहुत ज़बरदस्त आता है। ये दाल को कैप कर दिया है मैंने, तकरीबन तैयार है दाल। यहाँ पर ऑयल में हम सबसे पहले डालेंगे जो है हमारी चिलीज़, यानी कि हरी मिर्चें जो कि 2 अदद थी। आप जितनी डालना चाहें, आप अगर तेज़ मिर्ची खाते हैं तो आप ज़्यादा हरी मिर्चें ले सकते हैं, ज़्यादा कुटी हुई मिर्चें ले सकते हैं। मैं बहुत नॉर्मल खाती हूँ, तो इस वजह से मैंने कम ली है। ये जो है लहसुन भी मैंने साथ ही इसमें डाल दिया, लेकिन थोड़ी देर में डाला है ताकि हरी मिर्चें पहले नरम हो जाए। जी लहसुन चला गया इसमें। अब जब तक ये होता है बघार, तब तक मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। मैं कल ऑटोबान गई थी, वहाँ से जो मैंने शॉपिंग करी वो मैंने आपके लिए एडिट की है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो है बघार हमारा तैयार हो गया है, अब जो है हम बघार लगा देंगे। ये हमने बघार इसमें ऐड कर दिया दाल में। जी तो ये अब कैप कर दिया है, जल्दी से कैप कर दिया करें, ताकि बघार की खुशबू दाल में ही रह जाए। जी हाँ, अब ये दाल बिल्कुल रेडी है। धनिया जो है वो गार्निशिंग के लिए डाल दिया गया है, तो मैं इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। ये कुछ शॉपिंग जो मैंने कल ऑटोबान से की थी, खाड़ी से, लॉन का ड्रेस है, एम्ब्रॉयडर्ड है और ब्लैक कलर में है। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया ये, तो मैंने बाय कर लिया। एक मैंने जो है बाय किया था 2 पीस, जो कि मिशाल के लिए किया था, तो
ये भी बहुत ही प्यारा है विशाल के हिसाब से। कलरिंग भी बहुत लाइट और सोबर है, विशाल के ज़्यादातर लाइट ही कलर आते हैं। और ये मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था, लेकिन ये भी ब्रांड पर ही है, ये भी ब्रांडेड है। तो इसकी जो शलवार है ये भी देखें आप, फैंसी में है और बहुत ही खूबसूरत है, कलर भी बहुत ही फाइन है। इसका ऑर्गेन्जा टिश्यू पर दुपट्टा है और जो है पेस्ट प्रिंट की इसकी शर्ट है। पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये भी मैंने आज लोकल ही मार्केट से जो है लेसेस बाय की थी, और ये कुछ जो है ड्रेस के लिए डोरीज जो है वो बाय की थी। आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा मेरी।